मेरा मोबाइल, मेरा बैंक, मेरा बटुआ। नमस्कार देशवासियों, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने देश हित के लिए नोटबंदी का जो निर्णय लिया है, ये पूर्णतः देश हित में है। इस समय हम सभी लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर है, लेकिन यकीन मानिए कि आने वाले भविष्य में ये बहुत ही अच्छा निर्णय हम लोगों के लिए रहेगा, हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रक्रिया को चालू हुए लगभग 30 दिन हो चुके हैं और पूरे देश में बहुत ही शांतिपूर्वक ये सब कार्यक्रम हो रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ आपसे कि जैसा कि लैश कैश और कैशलेस इंडिया जो लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैश खत्म हो गया है। कैश देश में है, बहुत है कैश, लेकिन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नेट बैंकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, कार्ड पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी कार्ड के जरिए लेन देन करें, नेट बैंकिंग के जरिए लेन देन करें। उसकी बहुत सारी प्रक्रिया है जो बहुत ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। उसमें हम अपने आधार कार्ड को बैंक से जोड़ सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर को बैंक से जोड़ सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। पेटीएम के द्वारा हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से हम लोग लेन देन कर सकते हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लग सकती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज से ही संकल्प लीजिए कि आप स्वयं कैशलेस सोसाइटी के लिए खुद एक हिस्सा बनेंगे। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का अभियान, लोगों को कठिनाइयों समस्याओं से मुक्त करने का अभियान, इसका नेतृत्व करना है। आइए देशवासियों, हम सभी मिलकर कैशलेस इंडिया अपनाकर कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा इस अभियान को सफल बनाएं और मोदी जी के हाथ को मजबूत करें, ताकि आने वाला जो देश का भविष्य हो बहुत ही उज्ज्वल हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।